हेलो दोस्तों, चलिए फिर शुरू करते हैं हम विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। गाइस, आज जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, पॉलीमर टेस्टिंग के हम स्टैंडर्ड्स के बारे में आज बात करेंगे। तो हम आज स्टार्ट करेंगे पॉलीमर टेस्टिंग के सबसे पहले टेस्टिंग मेथड से। वो टेस्टिंग कौन सी है जो किसी प्रॉपर्टीज़ को शो करे और किस मेथड से हम वो करते हैं, बेशक से वो ASTM हो, डीन हो या BS हो, वो कौन से मेथड्स स्टैंडर्ड्स हैं जिसके बयान पे हम वो टेस्टिंग करते हैं। तो हमारी जो टेस्टिंग होती है पॉलीमर की गाइस, वो होती है एनालिटिकल टेस्टिंग। सबसे पहले किसी भी पॉलीमर को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे प्रोसेस कर रहे हो थ्रू मोल्डिंग या थ्रू एक्सट्रूजन, तो एनालाइज करना उस टेस्टिंग को बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट हमारा जो एनालिटिकल टेस्टिंग है, उसमें करीब 13 टेस्ट ऐसे हैं जो करीबन लोग हम करते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे टेस्ट भी हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे कॉलेजेस में भी पढ़ाए जाते हैं। जैसे कि आप जो भी पॉलीमर इंजीनियर्स आप ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपको पता होगा ये हम टेस्टिंग करते हैं और हमें पढ़ाया जाता है। जैसे कि मैं बात करूँ एनालिटिकल टेस्टिंग्स में, जो पहले नंबर पर है वो है ऐश कंटेंट। गाइस, ऐश कंटेंट ऐसा होता है जब हम किसी भी चीज़ को ऐश बना देते हैं, मतलब राख कर देते हैं, उसके कंटेंट को नापना, वो कितना है, कितना वेट उसका क्या है, वो ऐश कंटेंट टेस्ट कहलाता है, जो एनालिटिकल टेस्टिंग का पहला टेस्ट है। उसका स्टैंडर्ड ISO 3451 मेथड ए के जरिए हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। एस कंटेंट ऑफ कार्बन ब्लैक, सेकंड नंबर, एस कंटेंट ऑफ कार्बन ब्लैक जो कि आप देख रहे हैं सामने, उसको हम ASTM D1506 मेथड ए के जरिए हम टेस्ट कर सकते हैं। एस कंटेंट ऑफ थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक जैसे कि आपने पहले भी वीडियोस देखी होंगी, थर्मोप्लास्टिक बनाएंगे, यदि हम एस कंटेंट चेक करें थर्मोप्लास्टिक्स की तो क्या होंगी, तो ये ASTM D5630 ISO 3451 प्रोसीजर ए के तहत आप ये टेस्ट मेथड कर सकते हैं। गाइस, अब मैं बात करूँ जेल कंटेंट की। जेल कंटेंट एक एनालाइजिकल डिवाइस है जो जिससे कि हम जेल कंटेंट के थ्रू हम पता कर सकते हैं किसी का भी, जिसके अंदर जेल कंटेंट कितना है उस पॉलीमर के अंदर। वो ASTM 26276 मेथड ए के तहत हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। गाइस, तीसरा है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर DSC, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमीटर, जिसे आप टेस्ट करते होंगे, इसे हम ASTM D3417 के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। इग्निशन लॉस ऑफ थर्मोसेट, थर्मोसेट में क्या होता है गाइस, इसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि उसे हाई टेम्परेचर पे ही प्रोसेस करते हैं और नॉट ब्रेकेबल होता है। यदि इसका इग्निशन यदि लॉस हो जाए, उसको टेस्ट करने के लिए हम ASTM का ही मदद लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हम ASTM ही यूज़ करते हैं मेथड में। तो ASTM D2584 के जरिए हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट सबसे मेन है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट तो सभी जानते हैं, ये एक सबसे है, किसी भी चीज़ का मेल्टिंग पॉइंट पता होना ज़रूरी है। इसको हम ASTM D2133 या फिर ISO 3146 के जरिए टेस्ट कर सकते हैं। गाइज, अब हम बात करते हैं थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट गाइज, ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है, थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस TGA ASTM D3850 या ASTM E11310 के थ्रू हम इसे टेस्ट करते हैं। ट्रांजिशन टेम्परेचर DSC स्कैनिंग कैलोरीमीटर जो डिवाइस होता है, उसके अंदर हम ट्रांजिशन टेम्परेचर करते हैं। किसी भी पॉलीमर का एक ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का, जिसे हम ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं गाइज। तो ASTM D3418 के जरिए हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट लॉस ऑफ वॉलेटाइल्स ASTM D2288, जैसे कि आप सारा कुछ देख सकते हैं। बल्क डेंसिटी, किसी भी चीज़ की हम बल्क डेंसिटी निकालें, तो इसके लिए हम ASTM D1895 पता कर सकते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी एक तरह की डेंसिटी ही है, इसे भी हम ASTM D792 या फिर ISO 1183 के जरिए हम टेस्ट कर सकते हैं। अब लास्ट हम बात करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन की, जो एनालिटिकल टेस्टिंग का लास्ट है। किसी भी चीज़ के वाटर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है किसी पॉलीमर में, वो कितनी होती है। जैसे नायलोन में है गाइस, नायलोन में सबसे कम होती है, वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए उसकी कम होगी। वो हम टेस्ट कैसे करेंगे, ASTM D5710 प्रोसेसर के जरिए हम इसे टेस्ट करेंगे। गाइस, अब चलते हैं सेकेंड में, मैकेनिकल टेस्टिंग की बात करते हैं। गाइस, मैकेनिकल टेस्टिंग तो आप सभी जानते होंगे, मोस्टली जो हमारे मैकेनिकल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, जैसे कि टेंजाइल स्ट्रेंथ, एलोंगेशन टेंजाइल हो गया, और इसके अलावा गाइस टेंजाइल स्ट्रेंथ हो गया, एलोंगेशन हो गया,
इसके अलावा मॉडुलस हो गया, टेंजाइल इंपैक्ट स्ट्रेंथ हो गया, फ्लेक्चुअल स्ट्रेंथ हो गया, और मॉडुलर कंप्रेसिव प्रॉपर्टीज होगी किसी भी चीज़ को कंप्रेस करने की जो प्रॉपर्टी हो, इंपैक्ट रेजिस्टेंस हो गया, या पेंडुलम आइजोड टेस्ट होता है, ये सब आप टेस्ट कर चुके होंगे या फिर करने वाले होंगे जो मैं अभी बता रहा हूँ। इंपैक्ट टेस्ट हो गया, किसी पे इंपैक्ट पड़ रहा है गाइस, इसके ऊपर मैं अच्छे से वीडियो बनाऊंगा जो इंपैक्ट टेस्ट और हार्डनेस में क्या डिफरेंस होता है दोस्त। पेंडुलम चारपी टेस्ट हो गया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, टियर स्ट्रेंथ हो गया और कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें मैकेनिकल टेस्टिंग के अंदर में आती है। जो आपके सामने दिख रहा है गाइज, वो इसके जरिए आप इन मेथड टेस्ट मेथड के जरिए आप इन्हें टेस्ट कर सकते हो इजीली। तो गाइज आप इसे ज़रूर अपने लैब में कीजिएगा, जिससे कि आपको और नॉलेज होगी। अब हम बात करते हैं तीसरा, थर्मल टेस्टिंग्स। थर्मल टेस्टिंग में जो हमारे सबसे मेन मुख्य हैं वो है हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर, HDT। किसी भी चीज़ का हीट डिफ्लेक्शन टेम्परेचर पता होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। विकेट शॉर्पनिंग पॉइंट ये भी पता होना जरूरी है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन डायनोमीटर ये हर जगह नहीं होता दोस्तों, क्योंकि इसकी मशीन थोड़ी अलग है। ये सारे ASTM मेथड्स हैं, इन मेथड से आप ये कर सकते हो। ब्रिटल नेट टेम्परेचर, कोई भी चीज़ ब्रिटल हो जाती है, कांच की तरह ब्रेकेबल होने लग जाते हैं, वो कौन सा टेम्परेचर जिसपे वो इतना करक हो जाए, लाइक रबड़ माइनस डिग्री में यदि चला जाए, जैसे सियाचिन में यदि हम रबड़ को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसका जो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है वो काफ़ी कम होता है, तो हम ब्रिटलनेस टेम्परेचर यूज़ कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी, किसी भी चीज़ में थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है ये हम इन ASTM से जरिए पता कर सकते हैं। डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री DSC यदि हमें नाप रहा हूँ, ये भी एक थर्मल टेस्टिंग का ही एक पार्ट है। थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस जो बहुत से लोग करते होंगे, ये बहुत सा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूंगा गाइस फिजिकल टेस्टिंग्स की। फिजिकल टेस्टिंग्स तो वो टेस्टिंग्स होती हैं गाइस जिसको हम अपने फिजिकली रूप में, कोई भी चीज़ हमें फिजिकली रूप में पॉलीमर हमें मिला है उसको हम सॉलिड रूप में ही टेस्ट करें, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ करें, जैसे कि एब्रेशन रेजिस्टेंट आप देख रहे होंगे, इसके अलावा अपेरेंट बल्क डेंसिटी, इसके अलावा डायमेंशन चेंज लेवल, इंडेंटेशन हार्डनेस, इसके अलावा मैं बात करूं हार्डनेस के बाद और इंडेंटेंस हार्डनेस, लीनियर थर्मल श्रिंकेज, मोल्ड श्रिंकेज, स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी भी फिजिकल टेस्टिंग में आ जाती है। वाटर वेपर ट्रांसमिशन, ये सारे टेस्टिंग ऐसे टेस्टिंग है जो फिजिकल टेस्टिंग में आते हैं गाइस, जो इन स्टैंडर्ड से किए जा सकते हैं। यदि आप ये नॉलेज आप डीपली आप चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ, इन पे इंडिविजुअल वीडियो लाऊँ और उनको अच्छे से बताऊँ जो ये टेस्टिंग कर कैसे करते हैं प्रोसीजर के जरिए, तो मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग की बात करते हैं गाइज। इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग वो टेस्टिंग होती है जो किसी भी चीज़ को इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है उसकी बात करते हैं इस टेस्टिंग में, जिसमें होता है डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वोल्टेज, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसी भी चीज़ का नापना, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट परमिटिबिलिटी जिसको कहते हैं, या डिसेप्शन फैक्टर किसी भी चीज़ का लॉस हो रहा है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है, कंडक्टेंस कितना है, सरफेस रेजिस्टेंस कितनी है, रेजिस्टिविटी कितनी है, वॉल्यूम रेजिस्टेंस कितना है, या फिर आर्क रेजिस्टेंस कितना है, किसी भी चीज़ में चिपक कितना रहा है, वो अधेशन कितना है। जैसे कि लाइक हेयर, हम किसी भी चीज़ को हायर के साथ करते हैं तो उसके अंदर एक कंडक्टिविटी जनरेट होती है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है गाइस, बेशक से वो कम हो लेकिन होती है। वो सब टेस्टिंग हमारी इलेक्ट्रिसिटी टेस्टिंग में आ जाती है। कंपेरेटिव ट्रैकिंग इंडेक्स, ये सब सारी टेस्टिंग हम इन स्टैंडर्ड मेथड कर सकते हैं। ये आप यदि इन स्टैंडर्ड मेथड को सर्च मारेंगे तो आपको गूगल पे पूरा अच्छे से इसके बारे में मिल जाएगा। यदि आप चाहेंगे जो मैं इसके बारे में मैं खुद से वीडियो बना के बताऊं, क्योंकि मैंने ये टेस्टिंग काफ़ी कर रखी है इन सबको अच्छे से, तो आप मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस इसके लिए चैनल को। अब मैं चलता हूँ ऑप्टिकल टेस्टिंग की। ऑप्टिकल टेस्टिंग की मैं बात करूं गाइस, तो सबसे ऑप्टिकल टेस्टिंग में कुछ ज़्यादा टेस्टिंग नहीं है। ऑप्टिकल टेस्टिंग मतलब किसी भी चीज़ को हम देख पा रहे हैं, मतलब उसके अंदर विजुअलिटी कितनी है उसकी हम बात करें तो वो ऑप्टिकल टेस्टिंग में आते हैं। बट वो टेस्टिंग कितनी है वो अलग अलग चरणों पर, जैसे हेज किसी का धुंधलापन, ल्यूमिनस ट्रांसमिटेशन किसी भी चीज़ से ट्रांसमिटेशन कितना होता है लाइट का, रिफ्लेक्शन कितना हो रहा है वो चीज़ देखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, विजुअल कलर एवोल्यूशन कितना है, कलर टॉलरेंस और कलर डिफरेंस कितना है, स्पेकुलर ग्लोस कितना है उसके अंदर ग्लैरिटी कितनी आ रही है, क्लैरिटी कितनी आती है, ग्लोस कितना आ रहा है उसके अंदर, ये सब चीज़ें हमें इन स्टैंडर्ड की मदद से पता चल सकती हैं। और इन स्टैंडर्ड की मदद से हम इन सभी पॉलीमर की, कोई भी पॉलीमर हो उनकी हम टेस्टिंग ऑप्टिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। अब मैं सातवें नंबर पर लूँगा फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग। किसी भी चीज़ को पॉलीमर है जैसे दोस्तों जली जाएगा ना, पॉलीमर है तो पॉलीमर के लिए फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग जरूरी है, वो जल कैसे रहता है, तो उसके लिए कौन सी टेस्टिंग्स होती हैं जो फ्लेमेबिलिटी, यदि कोई भी चीज़ हम प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसके लिए हम
पर्टिकुलरली रिक्वायर करते हैं, जैसे कि हमें धूप में रखना है तो उसके लिए यूवी टेस्टिंग करेंगे, ऐसे हमें हमें कोई चीज़ फायर के लिए यूज़ करनी है लेकिन वो जले ना पॉलीमर, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी और वो चीज़ों को बढ़ाना और कम कैसे करना होगा, उसके लिए ऑक्सीजन इंडेक्स। यदि जिसका ऑक्सीजन इंडेक्स कम होगा वो इजिली नहीं जलेगा दोस्तों, जिसका ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो इजिली आग पकड़ लेगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती, ग्लोर वायर फ्लेमेबिलिटी टेस्ट, बर्निंग रेट देखना पड़ेगा, कितने किस स्पीड से वो जल रहा है, डिप डिप करके जल रहा है, ये सब टेस्टिंग होती है जिसको हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स भी कहते हैं। इससे हम प्लास्टिक्स के या पॉलीमर के आइडेंटिफिकेशन, उसे आइडेंटिफाई भी कर पाते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूँ स्मोक डेंसिटी, यदि कोई चीज़ जल रही है तो उसमें से स्मोक कितना रह रहा है, उसकी रेटिंग क्या है स्मोक। यदि आप कहीं ऐसी जगह पे वायर, जैसे कि वायर है गाइज, इसकी फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग जरूरी है। आजकल बहुत से ऐसे वायर्स आ गए हैं गाइज मार्केट में, आप देख रहे होंगे, जैसे कि जो वायर्स जलते नहीं है फायर में देने के बाद भी, क्योंकि उसकी फ्लेमेबिलिटी टेस्टिंग की गई है, उस हिसाब से उसके अंदर इंडेक्स ऑक्सीजन इंडेक्स उसका कम है और फ्लेमेबल स्मोक रेट काफ़ी कम है, जिससे कि धुआं नहीं होता और दुर्घटना हो तो धुआं के कारण काफ़ी लोग मर जाते हैं दोस्तों, आपने ऐसी दुर्घटना सुनी होंगी। सरफेस फ्लेमेबिलिटी हो गया, इग्निटेबिलिटी हो गया, ये सब सारे हम इन स्टैंडर्ड मेथड के मदद से करते हैं गाइज, इन स्टैंडर्ड मेथड के मदद से करते हैं। यदि आप स्टैंडर्ड मेथड नहीं समझते तो मुझे कमेंट कीजिए गाइज, मैं स्टैंडर्ड मेथड्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा। काफ़ी स्टैंडर्ड मेथड लोगों को समझ नहीं आता स्टैंडर्ड मेथड होता क्या है। केमिकल रेजिस्टेंस टेस्टिंग की बात करते हैं गाइज, केमिकल रेजिस्टेंस आपको पता है पॉलीमर है तो केमिकल रेजिस्टेंस का तो जरूर पड़ेगा, तो तीन चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। केमिकल रेजिस्टेंस फर्स्ट जो है, जो ASTM से होगा एज पर केमिकल, कौन सा केमिकल हम यूज़ कर रहे हैं। एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैक रेजिस्ट का मतलब हुआ एनवायरमेंट पे से के द्वारा, एनवायरमेंट के द्वारा हीट या प्रेशर या फिर तापमान, इनके द्वारा पड़ा गया स्ट्रेस से जो क्रैकिंग आ रहा हो प्रोडक्ट में, उसको हम एनवायरमेंटल स्ट्रेस क्रैकिंग रेजिस्टेंस कहते हैं। जिसके लिए पर्टिकुलर एक कंडीशन होता है, पर्टिकुलर एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर में उस पॉलीमर को रख के हम उसकी टेस्टिंग करते हैं और पर्टिकुलर हमें रेट निकलता है। जिस स्टैंडर्ड मेथड को हम ASTM D611693 कंडीशन ए के तहत कर सकते हैं। इमर्शन टेस्ट क्या होता है गाइस, किसी चीज को इमर्स करना, पानी के अंदर डुबोना या किसी भी केमिकल के अंदर डुबोना, और वो केमिकल के अंदर डुबोने के बाद वो काफी देर तक उसकी प्रॉपर्टी को लूज ना करे, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज ना करे, स्ट्रेंथ करे, वो इमर्शन टेस्टिंग का एक सबसे मेन मुख्य पार्ट है, जिसे हम ASTM D543 के जरिए कर सकते हैं। गाइज अब मैं बात करूंगा रियोलॉजिकल टेस्टिंग और मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग, जिसमें हम रियोलॉजिकल की बात करूंगा। रियोलॉजिकल गाइज क्या है, रियोलॉजिकल पे मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत आगे, आप मुझे कमेंट कीजिए यदि आपको चाहिए तो मैं जल्द से जल्द बनाऊंगा। रियोलॉजिकल एक फ्लो बिहेवियर के बारे में, किसी भी चीज़ की जो कोई भी मटीरियल, उसकी यदि फ्लो बिहेवियर क्या, उसका प्रोसेस के दौरान उसका फ्लो बिहेवियर क्या है, तब तक आप किसी भी चीज़ को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है मेल्ट फ्लो रेट, या फिर से मेल्ट फ्लो इंडेक्स भी कह सकते हैं, MFI मशीन के जरिए, जिसे हम MFI मशीन कहते हैं, उस मशीन के जरिए आप ASTM D1238 प्रोसीजर लगा के या फिर ISO 1133 प्रोसीजर लगा के मेल्ट फ्लो रेट पता कर सकते हैं पर 10 मिनट में किसका मेल्ट फ्लो रेट कितना होता है। इसके बारे में भी वीडियो बना सकता हूं, यदि आप मुझे बोलेंगे आप उसको आपको दिक्कत आ रही है तो मैं इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। डायलूशन सॉल्यूशन विस्कोसिटी ऑफ पॉलीमर, किसी भी पॉलीमर की एक विस्कोसिटी होती है गाइस, आप सभी जानते हो, एक फ्लो होगा जब वो पिघलेगा तो उसकी वो डायल्यूट कितना हो रहा है किसी भी केमिकल के साथ और उसकी विस्कोसिटी किस रफ्तार से जा रही है और उसकी जो डायलूशन विस्कोसिटी प्रॉपर्टी है वो उसके टेम्परेचर पे भी वेरी करती है। तो किस तरीके से करती है ये टेस्टिंग हम कर सकते हैं इन ASTM से। अब मैं बात करूंगा मॉइस्चर कंटेंट टेस्टिंग की। गाइज मॉइस्चर कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ दो एक ऐसे पहलू है, जैसे कि एक होता है कार्ल फिशर मेथड जो सेकंड पे, लेकिन इसको फर्स्ट पे होना चाहिए गाइज, ये मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। लॉस ऑन ड्राइंग मेथड, कार्ल फिशर मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी भी चीज़ की मॉइस्चर कंटेंट पता कर सकते हैं। गाइज क्या होता है, कभी भी हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो आप देखते होंगे हमें मॉइस्चर रिमूव होता है, उसमें से पानी निकलता है, पानी छूटता है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, पॉलीमर हो या कोई भी चीज़ या लकड़ी ले लीजिए, वो छूटता है। वो मॉइस्चर कंटेंट हम किस तरीके से नवाएं, उसे हम कार्ल फिशर मेथड कहते हैं और जिसे हम ASTM D789 या ISO 760 के जरिए हम पता कर सकते हैं। एक होता है लॉस ऑन ड्राइंग मेथड, मतलब सुखाने के जरिए कितना मटेरियल लॉस हो रहा है, कितना मॉइस्चर लॉस्ट हो रहा है, उसको हम मॉइस्चर कंटेंट की वो टेस्टिंग कहते हैं लॉस ऑन ड्राइंग मेथड के जरिए, जिसे हम ASTM D
6980 या ISO 15512 के जरिए भी कर सकते हैं। गाइज ये 10 टेस्टिंग मेथड ऐसे हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, और मेरे हिसाब से तो इन टेस्टिंग मेथड को आप दिमाग में बिठा लीजिए, सिर्फ दिमाग में नहीं, इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। और यदि आप चाहते हैं मैं इन टेस्टिंग मेथड्स पे अच्छे से मैं थोड़ा सा एलिबोरेट करके मैं तुम्हें आपको समझाऊँ, तो मैं ज़रूर इस पर वीडियो बनाऊँगा। आप मुझे कमेंट कीजिए, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए हमारे काम को। यदि आप पसंद करते तो हमें लाइक तो गाइज बोनस होगा हमारे लिए, तो आप जल्द से जल्द वीडियो देखिए। गाइज कुछ टेस्टिंग ऐसी है जो हिडन्स होती हैं, जो हमें पता बहुत ही कम होती हैं, कुछ अदर्स में आती हैं। तो अब मैं उन टेस्टिंग्स की बात करूंगा, तो कुछ अदर्स में आती है बट कोई नहीं है, थोड़ा एक दो होता है, जैसे एश कंटेंट हो गया, वो अदर्स में ही लेते हैं, या स्पेसिफिक हो गया, या फिर ग्रेविटी या वेट लूज हो गया, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती है वो अदर्स में लेते हैं। लेकिन गाइज यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारा काम पसंद आता हो, तो हमें लाइक सब्सक्राइब और गाइज चैनल को जल्दी से जल्दी पहुँचाइए। गाइज जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छे से काम कर पाऊँ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली आप जितना सब्सक्राइब करोगे उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, तभी हम आगे जल्दी से जल्दी वीडियो लेके आएंगे। इतना टाइम नहीं लगाएंगे वीडियो लाने में, नहीं तो आप टाइम जितना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा सब्सक्राइब और वो करने में, उतना हमें भी टाइम लगेगा। तो हमें मोटिवेट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। गाइज न्यू टॉपिक्स के लिए कमेंट कीजिए, सजेस्ट कीजिए। दिमाग में मेरे बहुत कुछ आइडियाज़ है, बहुत कुछ है, लेकिन गाइज आप सजेस्ट करोगे तभी मैं आपके लिए एक बेटर वीडियो बना पाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, स्टे होम स्टे हेल्थ।